फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खत्री व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब सेफ होंगे। तो आज से नवरात्रे स्टार्ट हो गए हैं, तो हैप्पी नवरात्रे टू ऑल ऑफ यू। जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं, माता रानी करे उनकी हर जो भी विश है वो पूरी हो जाए। से हैप्पी नवरात्रे। हैप्पी नवरात्रि। मम्मा की वीडियो को सब लाइक करें और सबको खुशियां मिले माता जी की। माता जी ये एक्चुअली आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो इतना यूट्यूब देख देख के ना, तो प्लीज बच्चा बोल रहा है चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरी अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है। तो आज मैं आगे आपको दिखाऊंगी कि मैं मंदिर कैसे डेकोरेट करूंगी, कैसे मैं माता रानी की जो मूर्ति है उसको स्थापित करूंगी। मैं मंदिर में नहीं करती हूँ, उसको अलग से मंदिर बना के उसमें मैं स्थापना करती हूँ। तो मैं दिखाऊंगी कि मैं कैसे डेकोरेशन करूंगी। वीडियो को शेयर यूट्यूब करें, किचन लाइक पे जाके करें, आप नवरात्रि रेसिपी सब्सक्राइब करें देखिए। और सब्सक्राइब करें। सरप्राइज नहीं होता, सब्सक्राइब होता है। सरप्राइज सरप्राइज। जब ये सरप्राइज, ये जो देख रहे हैं हमें, जब देखें देख के सब्सक्राइब करेंगे तो गोलू क्या हो जाएगी, सरप्राइज ये। तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस। मम्मा तो माता। चलिए, अब मैं जब पूजा करूंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे पूजा करती हूँ। हम आए हैं अब मार्केट कुछ सामान लेने, तो मैं लोकल जो बैठे होते हैं रोड साइड पे उन्हीं से ही लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे जो 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 गाने का होता है वो, इसका आई डोंट नो क्या बोलते हैं, ये लेने आई हूँ। और दिए कुछ लेने आई हूँ जो लेने थे मुझे, और माता रानी की मूर्ति लेनी थी। यहाँ पे मैं देख रही थी कि जो अखंड ज्योत की वाली होती है ना, वो वाली ज्योत, ये डेकोरेशन के लिए मैंने थोड़ा सा लिया है। ये मेरे को दिवाली में भी यूज में आ जाएंगे, और अभी भी डेकोरेशन में इसे कर दूंगी। तो ये भी मैं मैंने दिखाती हूँ, लेना मेरा है। बेड और डाइनिंग टेबल आ गया है फाइनली, और बहुत अच्छे दिन पे आया है। अभी मैं दिखाती हूँ, और घर का बहुत ही गंदा हाल हो रखा है। मेड मेरी जा चुकी है, अभी शाम को ही आएगी वो, तो मैं फास्ट भी है मेरा, और सुबह सुबह अब मेरे को सारा काम करना पड़ेगा। देखो मैं दिखाती हूँ, ये देखिए, ये साइड टेबल है और ये बेड है, और यहाँ पे ये है डाइनिंग टेबल, और ये देखो ये हमारे पुराने वाला बेड यहाँ पे डाल दिया इस रूम में। ये देखिए ये हमारा डाइनिंग टेबल है, और ये देखिए कितना गंदा हाल रखा है किचन का भी, और मैंने बेड का सारा सामान देखो कहाँ निकाल के, ये देखिए बहुत ही ज़्यादा गंदा। ये देखिए यहाँ पे मैंने सारा बिखेर दिया है बालकनी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अभी मंदिर को डेकोरेट करना है। मेरे पास मंदिर पहले से ही रखा हुआ था, तो मैं हर बार माता रानी को इसी में ही स्थापित करती हूँ, इसी को ही डेकोरेट करती हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेड कलर का फैब्रिक है वो मैं लगा देती हूँ अंदर। ये मैं नवरात्रों के जो अष्टमी के लिए होता है ना, वो वाला मैं चुनरियाँ लेके आई थी, मैंने रख दी। ये दिया बहुत सुंदर था, ये मैं लेके आई। नारियल, ये जो पानी का मटका होता है ये वाला लेके आई हूँ, और ये मैं लेके आई हूँ माता रानी की जो है मूर्ति। ये मेरी शुरू से ही जो ये बड़े वाली है, ये मेरी शुरू से ही है, तो इसको मैं हमेशा रखती ही, स्थापित करती ही करती हूँ। तो चलिए अब डेकोरेशन करते हैं। यहाँ पे मैं लेके आई थी कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर, ये मैंने इसका यहाँ पे लगा दिया है मंदिर के ऊपर। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत ही न्यू न्यू वीडियोज़ आने वाली हैं। और अगर आपको होम टूर चाहिए तो उसके लिए भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये देखिए कैसा लग रहा है मेरा मंदिर, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेरा मंदिर आप डेकोरेट होके कैसा लग रहा है आपको। ये देखिए, यहाँ पे मैंने जो उगा दिए हैं, ये मेरा नारियल, ये पानी के मटके जो होते हैं, यहाँ पे मैंने दिया लगा दिया जो डेली लगाऊंगी मैं, माता की मूर्ति। और ये देखिए, तो आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा मंदिर, माता रानी के दर्शन कर लीजिए। तो ये देखिए, ये मैंने बनाई है पनीर की सब्जी, और यहाँ पे मैंने बनाया है जीरा आलू, रायता मैंने बना के फ्रिज में रख दिया है, आटा भी मैंने लगा दिया है, बर्तन वर्तन सारे साफ करके मैंने रख दिए हैं।
शाम की आरती का टाइम हो गया, तो चलिए अब हम आरती कर लेते हैं एक बार। कर लेती हूँ, आरती मेरी ऑलमोस्ट खत्म हो गई है, फिर आ जाएंगे दीदी और जीजू डिनर के लिए, तो फिर हम डिनर पे मिलते हैं सीधा आपको। बोलो अम्बे मात की जय। तो चलिए डिनर कर लेते हैं, दी आ गए अभी। आपको दही नहीं मिलेगी, फीवर है ना आपके। मैंने डालनी नहीं थी, मैंने उसको पहले ही बोल दिया था। नहीं नहीं बेटा नहीं, एक्चुअली दी गुड़गांव में ही रहती है मेरे पास में ही, तो हम सैटरडे संडे कभी उनके घर कभी हमारे घर, तो हमारा ऐसे ही लंच या डिनर का छुट्टी वाले दिन हमारा ऐसे ही चलता है। दी एक्चुअली बैंक में ऑफिसर है, तो उनको सैटरडे संडे ही टाइम मिलता है, तो हम उस दिन हमारा गेट टुगेदर हो जाता है और हम अच्छे से इंजॉय भी कर लेते हैं। और गोलू की तो फेवरेट मासी है ही, तो गोलू इसीलिए मासी का बहुत ज़्यादा करती है, तो कभी उनके घर होता है हमारा डिनर या लंच, या कभी हमारे घर होता है। तो चलिए अब हम एक बार डिनर कर लेते हैं, देन उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये डाइनिंग टेबल पे मैंने रखा है एक फ्लावर, तो अभी हमारा इनका सबका हो जाता है। एक्चुअली मैं थोड़ा सा धीरे धीरे खाती हूँ। एक्चुअली यहाँ चल रही है कि गोलू कितनी शैतान है, तो मैं इसके पापा को बता रही थी कि बचपन में मैं डिट्टो इतनी ही शैतान थी, बहुत ही ज़्यादा, बहुत पिटती थी मैं, बहुत ज़्यादा। आप पिटे हो कभी? ना ना झूठ। मैंने तो भाई बहुत बहुत दीवारों से कूद कूद के जाती थी मैं। ये देखो ड्रामेबाज, पिटे तो हो गए यार, ऐसा थोड़ी ना पिटे ही ना हो। कभी पापा ने पिटा हो, मम्मी ने पिटा हो? मम्मी ने तो खैर नहीं पिटा होगा, बट पापा से तो पक्का पिटे होंगे। उबासी आनी स्टार्ट हो गई है। ये चले बहुत ही ज्यादा शैतान हो रखी है। कल इसको स्कूल जाना है, कल स्कूल जाना है गोलू। आस्था मैम भी देख रही है आपकी वीडियो, आस्था मैम को देखने दो, मैं उनसे बैग लेती हूं। तो स्कूल जाना है ना फिर कल? एक दिन ही जाना है मेरा, डेली जाना है। मैम ने झूठी मूठी की झीक मारी ना। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इस व्लॉग का करती हूँ एंड। अब मैं मिलूँगी आपको कल एक न्यू व्लॉग के साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आगे नेक्स्ट जो भी न्यू वीडियो आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और कमेंट करके मेरे को ज़रूर ज़रूर बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। मैं जो कल वीडियो डालूंगी उसमें मैं कुछ DIY करूंगी, बहुत अच्छे DIY करूंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मैं आपको मिलती हूँ न्यू व्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, जय माता दी, गुड नाइट, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। ये देखो मासी गई है और इसने अपनी टी शर्ट निकाल ली नहाने के लिए। तो फिर आपने क्यों निकाले कपड़े?